हाय दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज एक जबरदस्त अपडेट लेके आया हूँ जो अभी अभी कुछ नए अमेंडमेंट किए गए हैं रिलेटिंग टू आपके जो वीजा रिन्यूअल के लिए या फिर आपका जो रेजिडेंसी ट्रांसफर होती है अगर आप अपनी जॉब चेंज करते हैं उसके लिए। तो अभी आज संडे है तो ये आज से ये नया रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर आप अपनी रेजिडेंसी को रिन्यू करवाना चाह रहे हैं या फिर आप अपने रेजिडेंसी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो आपको उस टाइम से पहले आपको जितने भी आपके ड्यूज हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ड्यूज का मतलब ये है कि अगर आपका कोई पैनल जैसे ट्रैफिक रिलेटेड पेनल्टी है उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपका लैंडलाइन लगा रखा है टेलीफोन, अगर उसकी कोई पेनल्टी है वो क्लियर करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसे क्लियर करना पड़ेगा, वाटर का बिल है उसे क्लियर करना पड़ेगा। जो भी कुछ ऐसी चीज़ें रिलेटेड टू वो सारी पेनल्टीज और वो सारे जो अमाउंट जो आपको स्टेट मींस गवर्नमेंट से रिलेटेड है जो आपने पे नहीं कर रखे उसे पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही अब जाके आपकी जो आपका रेजिडेंसी थी वो ट्रांसफर हो सकती है या रिन्यूअल हो सकती है। ये अभी लेटेस्ट रूल है जो अभी आया है और वो आज संडे से इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा न्यूज़ है ये और ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए आपके लिए जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि भाई ये बिकॉज रेजिडेंसी का रिन्यूअल तो सब लोगों का आते रहता है, हर साल हम लोगों को करानी पड़ती है, ऐसा ये 2 साल में मैक्सिमम ये टाइम है। तो इस टाइम पे आपको पता हो कि इससे कराने का टाइम से पहले ही आप अपने सारे ड्यूज़ को क्लियर कर दें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आपकी रेजिडेंसी को रिन्यूअल कराने के चक्कर में। सो होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो में अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आप और क्वेश्चन जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, जिससे कि अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स रह गए हैं तो डेफिनेटली वो भी आपको कवर कर पाए अपने क्वेश्चन में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग शेयर करें जिससे कि हमें ग्रो करने में मदद मिले और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। तो अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बाय।